हाई स्टूडेंट टीच फॉर क्लास थर्ड। बच्चों अब हम लोगों ने लेसन 10, 11 और 13 की रीडिंग किए थे। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को राइट करेंगे। आइए देखते हैं लेसन 10 का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, बिल्ली ने क्या देखा? आंसर, बिल्ली ने एक मटकी देखी। मटकी क्वेश्चन नंबर 2, मटकी कहाँ रखी थी? आंसर, छीके के ऊपर रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, मटकी में क्या था? आंसर, घी था। क्वेश्चन नंबर 4, मटकी बिल्ली क्यों भाग गई? आंसर, अम्मा की नींद टूट गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्ली भाग्य को क्यों कोस रही थी? आंसर, उसे जो मटकी का घी नहीं मिला था इसलिए बिल्ली अपने भाग्य को कोस रही थी। आइए बच्चों अब इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिल्ली ने आकर क्या किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उछली। ख, किसकी झपकी टूटी थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होता है, अम्मा की। बिल्ली किसे कोस रही थी? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, भागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। बिल्ली आई एक कलूटी, छीके ऊपर देखी मटकी, कूदी लपकी उछली लटकी, यहाँ चढ़ी वहाँ से टपकी, ऊपर नीचे उलझी अटकी, मगर मिली न घी की मटकी। तो बच्चों हम लोगों का यह लेसन कंप्लीट होता है। आप इसको कॉपी पे राइट कर डालना। अब नेक्स्ट लेसन देखते हैं। नेक्स्ट लेसन 11 है, घंटीधारी ऊंट। इसका क्वेश्चन आंसर आइए देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जुलाहे को क्या चिंता खाए जाती थी? आंसर है, जुलाहे के घर का खर्चा बढ़ने की चिंता खाए जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाहा गांव कब लौटा? आंसर, जुलाहा अकाल खत्म होने पर गांव लौटा। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाहे की किस्मत कैसे बदली? आंसर है इसका कि जुलाहे की किस्मत उटनी के बच्चे से बदल गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर, घंटीधारी ऊँट अन्य ऊँटों से अलग क्यों रहता था? आंसर है, उसे अपने ऊपर घमंड था। क्वेश्चन नंबर 5, घंटीधारी ऊँट के अलग रहने का क्या परिणाम हुआ? आंसर, घंटीधारी ऊँट के अलग रहने से उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तो बच्चों इसे अपनी कॉपी पर कंप्लीट कर लेना। आइए इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला क्वेश्चन है, गांव में पड़ गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होता है, अकाल। ख, जुलाहे ने उटनी के बच्चे के गले में क्या बांधा था? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होता है, घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाहे ने क्या व्यापार किया था? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, ऊँटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटनी के बच्चे पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होता है, शेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है, कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट है, उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। नेक्स्ट है, शेर एक ऊँचे टीले पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। जुलाहे की शादी बचपन में हो गई थी, सही है। जुलाहा फिर कभी वापस गांव नहीं लौटा, गलत है। नेक्स्ट है, उटनी बीमार थी, सही है। नेक्स्ट, घंटीधारी ऊँट अन्य ऊँटों से अलग रहता था, सही है। तो बच्चों इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर आपको राइट करा दिया है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति में जैसे आपकी बुक कंप्लीट की गई है, आप वैसे ही इसको अपनी बुक और कॉपी को कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट लेसन हम लोग देखते हैं, लेसन 13, एक पते की बात। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते। पहला क्वेश्चन है, घर के मुखिया को क्या अभिमान हो गया था? घर के मुखिया को क्यों अभिमान हो गया था? अभिमान हो गया था क्योंकि वह
सॉरी बच्चों, इसमें कुछ राइट करने के लिए हम भूल हो गई थी। यहाँ पे लिख लेना, घर के मुखिया को क्या अभिमान हो गया था? घर के मुखिया को अभिमान हो गया था कि वह घर का पूरा खर्च देखता था, कि उसके बिना उसका परिवार का खर्च नहीं चल सकता। उसके बिना उसके परिवार का खर्च नहीं चल सकता है। इतना आप लोग इसको राइट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, संत क्या उपदेश दे रहे थे? दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है। थर्ड क्वेश्चन है, घर के मुखिया के मरने की खबर किसने फैलाई थी? संत ने। चौथा क्वेश्चन है, लोगों ने शोक संतप्त परिवार की सहायता कैसे की? आंसर है, उसके बड़े लड़के को नौकरी देकर, छोटे लड़के की पढ़ाई का खर्चा उठाकर, बेटी की शादी करके लोगों ने उसकी सहायता की। क्वेश्चन नंबर 5, घर के मुखिया का अभिमान कैसे चूर चूर हो गया? आंसर है, जब उसकी पत्नी ने कहा हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, यह सुनकर मुखिया का अभिमान चूर चूर हो गया। अब बच्चों, अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला क्वेश्चन है, सेठ घर पर अकेला था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, कमाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ कहाँ पहुँचा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, सत्संग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ गायब हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, 1 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर वालों ने सेठ को समझा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, भूत। किसने कहा, किससे कहा? दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, संत ने मुखिया से। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, मुखिया ने संत से। नेक्स्ट है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पत्नी ने पति से। बच्चों, इस तरह से हमारे तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप लोग अपनी कॉपी और बुक को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।